कर लेते हैं घी। कर सकें तो पानी लगाने से ये खुलेगा नहीं, और इसको पानी लगाकर अच्छे से साइड को कवर कर लेना है, एक साइज के अंदर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से साइड्स को दबा लेना है। दबाने के बाद हम इसके ऊपर कट लगाएंगे, तो चाकू से सिर्फ हमें थोड़े थोड़े कट लगाने हैं, उसको काटना नहीं है, नहीं तो घी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े कट लगा लेना है, और नीचे से चिपके ना, उसके लिए मैंने चाकू से ही इसको बाहर निकालने की कोशिश करी है। और उसको मैंने एक बटर पेपर नहीं था तो जो बुक का कागज़ आता है उसके ऊपर घी या फिर ऑयल लगा के उसको मैंने बटर पेपर बना के स्टीमर में रख दिया है। स्टीमर में 15 या 20 मिनट के बाद हमारी गार्लिक ब्रेड बनकर रेडी हो जाती है, आप देख सकते हो। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम गरम में ही घी लगाना है, बटर लगाना है, जिससे ये सॉफ्ट रहे और ये बाहर से क्रिस्पी होगी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और फ्लफी होगी, खाने में बहुत मज़ेदार। और इसके ऊपर मैंने थोड़े से मसाले डाल लिए हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा मिक्स मसाला, थोड़े से ओरेगानो भी स्प्रिंकल कर सकते हो। और मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, वाह, गरम गरम बहुत टेस्टी बना हुआ है गाइस, आप ज़रूर से बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अंदर से एकदम स्पंज की तरह सॉफ्ट, एकदम डोमिनो स्टाइल बनी है ना, तो आप भी बनाकर उसको ज़रूर ट्राई करें।